हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डिज़ाइनों के कॉन्सेप्ट्स और उनकी साइजेस के बारे में। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं डिजिटल की साड़ी डिज़ाइन की। जैसा कि आप इसमें इमेज में देख सकते हो, इसमें साड़ी की जो लेंथ होती है वो 550 सेंटीमीटर होती है और उसके अलावा जो ब्लाउज़ की साइज़ है वो आपको 80 सेंटीमीटर लेने की रहती है। तो जो भी मैं आपको यहाँ पर मेजरमेंट्स बता रहा हूँ वो जनरली यूज़ होने वाले मेजरमेंट्स हैं। थोड़ा कम ज़्यादा अपनी अपनी पार्टीज़ के हिसाब से, अपने अपने कस्टमर्स के हिसाब से वो थोड़ा कम ज़्यादा होगा। तो जनरली अगर आपको साड़ी वगैरह बनानी है तो आप इन मेजरमेंट्स का यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे ये साड़ी की टोटल लेंथ हो गई 550 सेंटीमीटर प्लस 80 सेंटीमीटर, मतलब लगभग 36 की आपकी साड़ी बन जाएगी। इसके अंदर जो लासा वाला पार्ट है वो जो यहाँ पर जो ब्लैक बॉर्डर आपको दिख रही है इसको लासा हम बुलाएंगे। तो ये लासा का जो पार्ट है ये लगभग आपको 2.5 इंच दोनों साइड छोड़ना रहेगा। लासा छोड़ने के लिए लासा छोड़ने की वजह से क्या होता है, साड़ी जब भी प्रिंट होती है तो उसका जो वर्क है वो 41 इंचेस के अंदर आ जाता है, तो कोई भी वर्क साड़ी में का कटेगा नहीं। जो भी साड़ी की बॉर्डर है उसमें से वर्क कटेगा। आपका डिज़ाइन में कुछ भी फ्लावर्स वगैरह ऑब्जेक्ट कुछ भी आता है तो ये सब चीज़ें क्या है ना, आफ्टर प्रिंट कपड़े के ऊपर पूरी प्रिंट होगी। इसके लिए आपको जो भी वर्क करना है 41 इंचेस में करें और 2.5 इंच का लासा ज़रूर छोड़ें। अगर आपको लासा भी नहीं छोड़ना है फिर भी आपको वर्क करना है तो आप कम से कम 2.5 इंच का प्लेन बैकग्राउंड, जैसा कि यहाँ पे आप बैकग्राउंड देख सकते हो, यही बैकग्राउंड आप ऊपर तक कंटिन्यू कर सकते हो। 2.5 इंच का दोनों साइड छोड़ के आप प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम कप्तान की डिज़ाइन की तरफ। कप्तान की जो डिज़ाइन रहती है इसमें एक्चुअली दो टाइप्स होते हैं, एक होता है लॉन्ग कप्तान, दूसरा होता है शॉर्ट कप्तान। लॉन्ग कप्तान की जो साइज़ होती है वो लगभग 3 मीटर से ऊपर रहती है, तो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा प्रिंट करते हैं ताकि कपड़ा जो है आफ्टर प्रिंट श्रिंकेज होकर थोड़ा कम हो जाता है। तो यहाँ पे 3 मीटर से थोड़ा ज़्यादा है, यानी 310 सेंटीमीटर हम प्रिंट करेंगे और 45 इंच के अंदर उसका जो कपड़े का लेंथ पना जो होता है, कपड़े की जो हाइट में लेंथ होती है उसको हम पना कहते हैं, वो 45 इंच का रहेगा। तो आपकी जो भी आप डिज़ाइन बनाओ लॉन्ग कप्तान के लिए वो 310 सेंटीमीटर और 45 इंचेस में बनाओ। इसमें सबसे ज़रूरी बात होती है जो आप गले का जो पार्ट देख रहे हो यहाँ पे सेंटर में डार्क वाला, ये सबसे मेन चीज़ होती है। ये एज़ पर कस्टमर रिक्वायरमेंट अलग अलग साइज़ हो सकती है इसकी, तो आपको इसको ध्यान में रखते हुए बाकी की डिज़ाइनिंग बनानी है। कहीं पे वी शेप का गला चलता है तो कहीं पे इस तरह का राउंड शेप का चलता है, तो जिस तरह का गले की डिज़ाइन बनेगी वो हिसाब से आपको कफ्तान बनाना चाहिए, उस तरह से आपको कफ्तान की पूरी डिज़ाइनिंग करनी चाहिए। इसके अंदर जो सेकंड है वो है शॉर्ट कफ्तान, वो 210 सेंटीमीटर बाय 45 इंचेस में आपको बनाना चाहिए, ठीक है। शॉर्ट कफ्तान मतलब इसमें इससे थोड़ा कम आएगा, 1 मीटर जितना आपका डिज़ाइनिंग है वो आपको कम बनाना पड़ेगा। तो नेक्स्ट डिज़ाइन की तरफ आगे बढ़ते हैं, सूट और कुर्ती। सूट और कुर्ती में एक्चुअली ये डिज़ाइन जो रहती है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड रहती है। इसका पहला पार्ट है फ्रंट, जो इतना आप पार्ट देख रहे हो इसको हम फ्रंट कहेंगे, और यहाँ पे ऊपर का जो पार्ट है वो हुआ बैक, और ऊपर की जो हुई वही स्लीव्स। तो फ्रंट और बैक जनरली आपको 50 इंच बाय 45 इंच में बनानी चाहिए। थोड़ा जैसा कि मैं बोल रहा हूँ आपको, आपकी कस्टमर के हिसाब से डिज़ाइन की साइज़ थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है, पर जनरली जो यूज़ होते हैं मेजरमेंट्स वो यहाँ पर हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो फ्रंट साइज़ 50 बाय 45 इंच, बैक साइड भी सेम आएगी इसकी, और जो स्लीव्स है वो लगभग 22 बाय 22.5 जितने आएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको स्लीव्स का अरेंजमेंट करना है। तो टोटल इसकी साइज़ हो जाएगी 122 इंच बाय 45 इंच, ठीक है। नेक्स्ट डिज़ाइन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा डिज़ाइन है वो है ऑल ओवर। ऑल ओवर में मैंने यहाँ पे लिखा है एज़ पर डिज़ाइन। जी हाँ फ्रेंड्स, ऑल ओवर के अंदर कोई भी फिक्स साइज़ में आप डिज़ाइन नहीं बना सकते हो। अगर आपने बना भी दी है तो यहाँ पे डिज़ाइन के साइज़ से सबसे ज़्यादा मैटर करता है जो डिज़ाइन के अंदर जो आपने मोटिव्स लिए हैं या फिर जो भी ऑब्जेक्ट आपने लिए हैं तो उसकी साइज़। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो पत्ती है, कस्टमर को अगर ये पत्ती 3 इंच की चाहिए, 3 इंच जितनी चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा जो आपका सीमलेस पैटर्न है उसको आपको रिड्यूस करना पड़ेगा 3 इंच का होने तक। या फिर अगर आपने 3 इंच का बना के रखा है, 5 इंच का चाहिए, तो आपको पूरी डिज़ाइन की साइज़ इमेज साइज़ में जाके बड़ी करनी पड़ेगी एज़ पर योर कस्टमर रिक्वायरमेंट। इसलिए ऑल ओवर का जो भी आप डिज़ाइन बनाओ तो आप 300 के रिजोल्यूशन में बनाओ ताकि आपको बड़ी छोटी करने में बाद में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आए।
और हो सके उतना जो भी चीज़ें आप डिज़ाइन में यूज़ करते हो वो एक दूसरे से आपको रिलेटेड यूज़ करनी है। तो ऑल ओवर की डिज़ाइन में आपको यही ध्यान रखना है कि आपको अच्छी क्वालिटी में सीमलेस ऑल ओवर रखना है, जहाँ पे कोई कट नहीं पड़े, क्योंकि ये डिज़ाइन कंटिन्यू प्रिंट होती है तो उसके अंदर कोई भी तरह का कट वो आपकी डिज़ाइन को डिफेक्ट कर देगा। ऑल ओवर की डिज़ाइन बनाने में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप जो भी पैटर्न बनाओ वो उसका रिपीट परफेक्ट होना चाहिए, आपको उसकी कंटिन्यूटी एकदम बरकरार रखनी है, कहीं पे भी कट नहीं पड़े इस बात का आपको ध्यान देना चाहिए।